हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा, कमर्शियल आर्ट्स से फर्स्ट ईयर के लिए ये लेक्चर तैयार किया है. इसमें हम जानते हैं राग माला के बारे में. राग माला दो शब्दों से मिलकर बना है, राग और माला. यानी जो संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध राग गाए गए हैं, उनके ऊपर उस समय राजाओं के संरक्षण में जिन चित्रों की रचना की गई, उनको राग माला कहा गया. तो जानते हैं हम राग माला के बारे में. आप इस वीडियो लेक्चर में आप मेरे चित्र देख रहे हैं जो राग माला पर बने हैं, और जान रहे हैं राग माला के बारे में. संगीत रत्नाकर भारतीय रागों के वर्गीकरण पर 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. ग्रंथ का नाम है संगीता रत्नाकर, जिसमें पहली बार प्रत्येक राग के पीठासीन देवता का उल्लेख है. 14वीं शताब्दी के बाद से उन्हें ध्यान चिंतन के लिए संस्कृत में छंदों में वर्णित किया गया था. किरको रागों को और बाद में चित्रों की एक श्रृंखला में चित्रित किया गया, जिसे राग माला चित्र कहा जाता है. रागमाला की कुछ सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कृतियाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी से हैं, जब 16वीं शताब्दी तक शाही संरक्षण के रूप में ये विकसित हुई. हालांकि बाद में यह धीरे धीरे फीका पड़ता गया. रागमाला चित्रों में रागमाला नामक विभिन्न भारतीय संगीत विधाओं को दर्शाते हुए रागमाला या रागों की माला पर आधारित मध्ययुगीन भारत के चित्रों की एक श्रृंखला है. वे मध्यकालीन भारत में कला, कविता और शास्त्रीय संगीत के समामेलन के शास्त्रीय उदाहरण के रूप में खड़े हैं. 16वीं और 17वीं शताब्दी में शुरू होने वाली भारतीय चित्रकला के अधिकांश विद्यालयों में, आपको मालूम है कि जो भारतीय चित्रकला है वो विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, वहीं पर रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ. और आज के हिसाब से उन रागमालाओं का नाम पड़ा पहाड़ी रागमाला, राजस्थान रागमाला, राजपूत रागमाला, दक्कन रागमाला और मुगल रागमाला. 1570 ईस्वी में भारत में रीवा के एक पुजारी शेमकर्ण ने, शेमकर्ण पुजारी का नाम है जो रीवा का था, संस्कृत में रागमाला पर एक काव्य पाठ संकलित किया. उन्होंने काव्य पाठ की रचना की, जिसमें 6 प्रमुख रागों का वर्णन है. रागमाला में 6 प्रमुख राग गाए गए हैं. पहला राग है भैरव, मालकोशिका, हिंडोला, दीपक और श्री और मेघा. ये कुल मिलाकर 6 राग हैं. इन रागों की 5 रागिनी और 8 रागपुत्र हैं. रागश्री को छोड़कर, क्योंकि रागश्री में 6 रागिनी और 9 रागपुत्र हैं, बाकी सब में 5 रागिनी और 8 रागपुत्र हैं. इस प्रकार से 86 यानी 86 सदस्यों का एक राग वाला परिवार बना. रागमाला की अधिकांश विलक्षण रचनाएं दक्कन शैली से हैं, जहां बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह दित्य स्वयं भी एक अच्छे चित्रकार थे. हालांकि कुछ राजपूत शैली में भी मौजूद हैं, जिनमें से चांवड़ के एक कलाकार का नाम, चांवड़ एक जगह है, वहाँ के एक कलाकार हैं साहिबद्दीन. उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो मेवाड़ में बनाई है, जिसका रागमाला जो श्रृंखला है वो दिनांक 1628 अंकित है, और वो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी भी मौजूद है. इन पेंटिंग में
प्रत्येक राग को एक रंग, मनोदशा, एक नायक नायिका की कहानी का वर्णन करते हुए चित्रित किया गया है। यह मौसम और दिन और रात के समय को भी स्पष्ट करते हैं। जो भी रागमाला के चित्र हैं वो दिन के लिए बने हैं या रात के लिए बने हैं या किस मौसम के लिए बने हैं और कौन से राग के लिए बने हैं, यह हर चित्र स्पष्ट करता है जिसमें एक विशेष राग गाया जाता है। और अंत में अधिकांश चित्र भी राग से जुड़े हुए विशिष्ट हिंदू देवी देवताओं का सीमांकन करते हैं, यानी बताते हैं। जैसे भैरव या भैरवी में शिव को बताया है और श्री राग में देवी को बताया है। चित्र न केवल रागों का वर्णन करते हैं बल्कि उनकी जो पत्नियां हैं यानी रागिनियां हैं और उनके कई पुत्र हैं जिन्हें राग पुत्र कहा गया है का भी चित्रण करते हैं। इसमें रागमाला के चित्रों में और बेटियां राग पुत्री बताई गई हैं उनका भी चित्रण किया गया है। रागमाला में मौजूद 6 प्रमुख राग भैरव, दीपिका, श्री, मालकोसा, मेघा और हिंडोला है और इन्हें वर्ष के 6 मौसम जैसे ग्रीष्म, मानसून, शरद ऋतु, प्रारंभिक सर्दियों, वसंत के दौरान गाया गया। राजपूत शैली में जो चित्र बने हैं उसमें मुगल काल में मेवाड़ और अकबर के दरबार के बीच एक सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रही, मेवाड़ के और अकबर के दरबार के बीच। महाराणा प्रताप के काल में निसारदी नामक चित्रकार ने चावड़ में रहकर जिन चित्रों की श्रृंखला रची वह रागमाला के नाम से इतिहास प्रसिद्ध हो गई। निसारुद्दीन ने अपने चित्रों पर निसारदी के नाम से हस्ताक्षर किए हैं। उसने अपना सृजन 1906 से आरंभ किया और 1605 तक लगातार चित्रों का निर्माण किया, यानी उनके चित्रों का निर्माण 2 महाराणाओं के कार्यकाल में पूरा हुआ। इसे महाराणा प्रताप ने आरंभ किया और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में पूरा हुआ। रागमाला की इस चित्र श्रृंखला के बाद और जगह भी रागमाला की चित्र श्रृंखलाएँ रची गईं। मेवाड़ में भी एक दूसरी रागमाला की रचना हुई जिसे साहिबदीन ने तैयार किया, यानी 2 रागमालाएँ चली हैं, एक निसारदी की और एक साहिबदीन की। ताज्जुब इस बात का है कि रागमाला के नाम से कृतियों का सृजन अकबर के दरबार में हुआ। प्रसिद्ध गायक तानसेन और विठ्ठल पुंडरीक ने रागमाला नाम से पुस्तकें लिखी हैं। गायक तानसेन ने और विठ्ठल पुंडरीक ने रागमाला के नाम से पुस्तकें लिखी। विठ्ठल पुंडरीक को जयपुर के कछवाहा वंश का संरक्षण प्राप्त था। कछवाहा एक वंश था जिसके जो राजाओं के अधीन उन्होंने विठ्ठल पुंडरीक ने पुस्तकें लिखी रागमाला पर, और तानसेन को अकबर का यानी अकबर के संरक्षण में। मगर इस कृति पर चित्रों की श्रृंखला खड़ी करने का श्रेय मेवाड़ को मिला। मेवाड़ को यूं तो मुगल नीति विरोधी माना गया मगर इसी धरती पर रागमाला रची गई। मैं दोनों सत्ताओं के बीच टकराव के दौर में सृजन का संकल्प का जो सुख है और जो सौहार्दय है वो इन दोनों सत्ताओं के बीच में रखा गया, पर कोई टकराव नहीं। यह श्रृंखला बहुत चर्चित रही, कम से कम इसमें 42 चित्र बने। ये 6 राग और 36 रागनियों से के थे। मारू राग के चित्र पर तो भारतीय डाकघर तार विभाग ने डाक टिकट भी जारी कर दिया मारू राग के ऊपर। गुजरात के मूल की इस रागिनी में नायक नायिका
कोता बुल दे रही है और सोरठी गीतों में इस प्रकार की मनुहार परंपरा है कि गीतों के राग कभी सोरठी के नाम से विख्यात रहे, यह सोचने की बात है। तो आज हमने जाना रागमाला और रागमाला के चित्रों के बारे में। ओके, थैंक यू।